मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच मथुरा की जिला अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का हवाला दिया गया और शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मस्जिद के अंदर स्वास्तिक और घंटी ओम जैसे निशान मौजूद हैं, जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इन सबूतों को सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी सर्वे जरूरी है। दूसरी तरफ इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद ने याचिका को बेबुनियाद बताया है और कहा कि अंदर कोर्ट सर्वे ऑर्डर जारी करता है तो लोग तमाम मंचों पर अपनी आवाज उठाएंगे। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये 13.37 एकड़ जमीन है जो कटरा केशव देव के नाम से जानी जाती है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन है। हम बैरी फर्स्ट डे से इस बात को कहते रहे हैं और जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड देखेंगे उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है, नगर निगम का रिकॉर्ड देखेंगे उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है। तो यहाँ पर जो अनावश्यक रूप से इनक्रोच किया हुआ है, जो हिंदुओं का जो असली मूल गर्भगृह है, जो मंदिर है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, हम चाहते हैं कि वहाँ मंदिर का निर्माण हो, उसी को लेकर के हम कोर्ट में गए हैं। और कल जो हमने एप्लीकेशन लगाई है उसके साथ शपथ पत्र भी लगाया है और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो बनारस का ऑर्डर है माननीय सिविल जज का, वो भी हमने इसके साथ संलग्न किया है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहता है। अब ऐसे में मथुरा की अदालत है, जिला अदालत है, इसके अंदर एक याचिका दायर की गई है कि जो काशी की ज्ञानवापी मस्जिद है, जिस तरीके से काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोर्ट के दिशा निर्देशन में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर भी कोर्ट के दिशा निर्देश में सर्वे करवाया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, फोटोग्राफी करवाई जाए। ये याचिका जो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रताप, उन्होंने ये याचिका मथुरा की जिला अदालत में दाखिल की है। उनका कहना है कि वहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर के अंदर के जो अवशेष हैं वो उस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए कोर्ट के दिशा निर्देश में, कोर्ट की सर्विलेंस में उस जो परिसर है, जो मस्जिद परिसर है, उसके अंदर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी करवाई जाए। अब देखते हैं, पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है, अब कोर्ट इस पूरे मुद्दे के अंदर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा व आखिरकार क्या निर्णय लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मणिदीप शर्मा, धाराजीत के साथ न्यूज़ स्टेट मथुरा।